जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और बेहतर होंगे और स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के इस मिशन में सहयोगी हो रहे होंगे, आयुर्वेद का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे। आज मैं एक जन सामान्य की जो बहुत बड़ी समस्याएं उभरती जा रही हैं और अक्सर लोग हमारे जो आयुर्वेदा हीलिंग करके हमने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें लिखते रहते हैं और फ़ोन करके भी पूछते रहते हैं कि जो बाल को झड़ने की समस्या है, बालों की झड़ने की समस्या, असमय बालों का पकना, डैंड्रफ बनना, इससे कैसे हम छुटकारा पाएं, कैसे इससे हम बच सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। बहुत फ़ायदेमंद और बहुत तिब्बत जानकारी है। सबसे पहले आपको एक उपाय करना पड़ेगा कि जो बाज़ार से मिल रहे घातक के केमिकल वाले शैम्पू हैं, इनसे बचिए। ये हमारे बालों की जड़ों, हेयर फॉलिकल को कमज़ोर करते हैं। ये पानी से प्रायः आसानी से छूटते नहीं हैं और हमारे रोम छिद्रों में जाकर के उनको भर लेते हैं और मानसिक बीमारियां भी करते हैं। डैंडर भी उन्हीं से होता है, हेयर फॉल भी उन्हीं से होता है और न्यूट्रिएंट की कमी के होने की वजह से त्वचा सांस नहीं ले पाती है और बाल भी झड़ने लगते हैं। तो इनका उपयोग तो बंद करें। करें क्या फिर? कैसे बाल को धुलें, कैसे बाल को स्वस्थ करें, तो उसका एक उपाय बताता हूँ आपको। आप एक लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें 2 लीटर पानी लीजिए और उसमें आप 100 ग्राम रीठा, 100 ग्राम सीकाकाई और 100 ग्राम आंवले का पाउडर का चूर्ण ले लीजिए। ताज़ा आंवला मिले तो वो भी आप ले सकते हैं उसमें। और उसमें 50 ग्राम आप जो त्रिफला चूर्ण आता है उसका पाउडर डालिए। त्रिफला चूर्ण मतलब हरड़े आंवला बहेड़ा का मिश्रण। और उसमें ब्राह्मी 100 ग्राम डालिए, भृंगराज 100 ग्राम डालिए। भृंगराज ब्राह्मी दोनों बालों को झड़ने से रोकेगा, दिमाग को शीतल करेगा, मानसिक पावर बढ़ाएगा, नींद बराबर आएगी, याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी, ध्यान शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और इसमें जो घृत कुमारी होती है एलोवेरा, अगर मिल जाए तो 2-3 चम्मच उसका गूदा भी इसमें डाल दें। सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हैं उसमें, बेहतरीन है। घृत मतलब अंतिम प्रोडक्ट है, इसीलिए घृत कुमारी नाम दिया गया उसका। 2-3 चम्मच उसको डालें, रात को इसको भिगो करके रख दें। सुबह अच्छी प्रकार से उसको मसल लीजिए, अच्छी प्रकार से मसल करके 1-2 उबाल आने दीजिए। 1-2 जो उबाल आ जाए उसको तो उसको छोड़ दीजिए उसमें। जब सामान्य हो जाए, सामान्य तापमान पे आ जाए तो उसको छान लीजिए, किसी छन्नी की मदद से छान करके कांच के बर्तन में स्टोर करके आप फ्रिज में रखिए इसको। 1 महीने के आसपास तक इसका वो आप उपयोग कर सकते हैं। और उसमें करना ये है कि जब आपको नहाना हो तो उसके 5 मिनट पहले आप थोड़ी मात्रा इसकी लेकर के उंगलियों की मदद से बालों में अप्लाई करें। ये बालों को मजबूत करेगा, असमय पक रहे बालों को पकने से रोकेगा, जो बाल पहले से पके हैं उनको काला कर देगा, डैंड्रफ को ख़त्म कर देगा। बहुत अद्भुत है ये। और साथ में एक उपाय और कर लें तो एकदम सोने पे सुहागा। आंवले का और भृंगराज का बराबर मात्रा का चूर्ण रखिए, खाली पेट सुबह 1 चम्मच उसका सेवन करें। अद्भुत परिणाम देगा, अद्भुत परिणाम देगा, बेहतरीन बालों की समस्त समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। झड़े हुए बालों को कैसे उगाएं अद्भुत तरीके से बिना एक भी रुपए खर्च किए हुए, उसके बारे में भी किसी दिन हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, बेहतर रहें। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आयुर्वेद का उपयोग करें।